नमस्कार, आप देख रहे हैं आर न्यूज। दानापुर में महाशिवरात्रि को लेकर दिव्यांग विकास मंच द्वारा शिव विवाह की रस्म 5 फरवरी बसंत पंचमी के दिन से आरंभ हो गई है। इसी दिन से शिव और पार्वती का विवाह पूरे रीति रिवाज से किया जा रहा है। विवाह का पूरा रस्म दानापुर के धोबी टोला महादेव मंदिर में आयोजित किया गया है। शिव जी के विवाह के पूर्व आज हल्दी कुटाई एवं धनबट्टी की रस्म संपन्न की गई, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने शिव भक्ति के गीत संगीत पे झूमते गाते नृत्य करते हुए नजर आए। पूर्व के भांति इस बार भी महाशिवरात्रि खास तरह से मनाई जाएगी। दिव्यांग विकास मंच के राज्य सचिव सचिन कुमार ने बताया कि इस वर्ष भी महादेव शाही सवारी से होकर महाशिवरात्रि के दिन शहर का भ्रमण करेंगे। उनकी बारात में बैंड बाजा सहित बड़ी संख्या में शहरवासी मौजूद रहेंगे। 25 फरवरी से 28 फरवरी तक विवाह के सारे कार्यक्रम संपन्न होंगे। वहीं 1 मार्च को बारात निकलेगी जो नगर भ्रमण करेगी और रात्रि में विवाह संपन्न होगा। हल्दी कुटाई एवं धनपट्टी कार्यक्रम में शामिल विमला देवी ने बताया कि भगवान शिव के हल्दी कुटाई एवं धनपट्टी कार्यक्रम पूरे विधि विधान से संपन्न हो रहा है। इस वर्ष महाशिवरात्रि के दिन 1 मार्च को जागरण के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होगा। इस विवाह कार्यक्रम में आज सभी शहरवासियों के साथ महिला और पुरुष बहुत आनंदित हो रहे थे और साथ ही आने वाले शिवरात्रि महादेव जी के विवाह के लिए काफी उत्साहित दिख रहे हैं। इस कार्यक्रम को संचालित करने वाली दिव्यांग विकास मंत्री आज ये किस चीज का कार्यक्रम हो रहा है? आज हल्दी कुटाई और धनवट्टी का भगवान शिव का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। काफी विधि विधान से किया गया, काफी भक्तजनों का उत्साहित दिख रहे हैं इसमें। बाकी का कार्यक्रम 27, 28 और 1 तारीख को विधि विधान से किया जा रहा है। 1 तारीख को साड़ी सवारी के साथ में ये जितने भी भक्तजन है शहरवासी के ये नगर भ्रमण के साथ निकलेंगे। आज किस चीज का कार्यक्रम था? आज कार्यक्रम था महादेव के हल्दी कुटाया है और गान बजान हुआ है। महादेव के शादी का रात के साथ हम लोग गाए बजाए, बहुत भक्तजन उपस्थित हुए हैं और इसी तरह हम चाहते हैं कि हर साल हो। और फिर 1 तारीख के कार्यक्रम के लिए पूरा नगर वासी पूरे संसार हल्लो विस्तार के साथ महादेव के शादी में भाग लेंगे। सभी से विनती है, सभी से विनती है, सबको महादेव के महा भवानी की शादी उपस्थित हो और जिसको जितना कार्यक्रम में शामिल होके हम महादेव का कृति प्रदान करें और उनके शादी में हम लोग शरीक होके उनका दुआ आशीर्वाद लें। नगर वासियों से, देश वासियों से और